हेलो 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 हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो सपोर्ट हेलो। हाँ, काफी जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। काफी सारे लोग आ चुके हैं लाइव, स्टिल हम वेट करेंगे लाइव आने का। बस कुछ देर बाद में मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। हाँ जी, हेलो हेलो, जो नए आए हैं उन सबको हाय नमस्ते। हेलो डब्बू शर्मा, रिंकेश जैन, किशन, ओके ओके। राइट नाउ वी आर 78 टोटल। आफ्टर 5 मिनट्स आई स्टार्ट माई स्पीच। राइट नाउ 103। हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव। जो नए अभी जुड़े सभी फ्रेंड्स, उन सबको जय हिंद। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर मोर एंड मोर पीपल। सो हेलो गोटी सर, हेलो योगिता दीदी, हेलो चैम्पियन। हेलो हेलो, वी आर राइट नाउ 20, राइट नाउ 255। गिव मी सम मिनट्स मोर, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, जस्ट अ मिनट। हाय, जय हिंद। हितेश डॉलर हाय, आमिर मलिक यू आर विथ मी, थैंक यू। जय मुरलीधर, जितेंद्र सिंह सिसोदिया, ओके, जय हिंद। सागर हाय, प्रकाश हाय, योगिता पटेल क्लब, जय हिंद। पीएम काचड़, जय हिंद मैम। हाँ जय हिंद भाई, जय हिंद। सागर जय हिंद, बाबूलाल यादव जय हिंद, नरेश प्रजापति, नरेश प्रजापति। अरे तमे, अरे बेन, मैं तुम्हारी सपोर्ट में घनी पोस्ट मुकी छे, मारी रिक्वेस्ट स्वीकारो। ओ सॉरी, प्रॉब्लम दरअसल एवी छे कि मारी पासे बहु बधी रिक्वेस्ट मीन्स के अचानक आवी गई छे, मोर देन 1500। सो हूँ एक्सेप्ट अत्यारे नहीं करी शकी, मारी पासे टाइम लिमिट छे, पर डेफिनेटली हूँ अत्यारे फ्री थईने डेफिनेटली तमारी एक्सेप्ट करीश हूँ रिक्वेस्ट। किरण जे छे हाय, हेलो मैम। आकाश हेलो, मेहुल राणा हेलो, दर्शन जय हिंद, किरण जय हिंद, धवल जय हिंद, अहिरा रमेश, जय मुरलीधर भाई, जय मुरलीधर। गुड, अब तो जोइन बो आई मीन टू से ये जे बता जय हिंद लखी रहा छे, हितेश जय हिंद, त्रिपति जे छे, लेडी पावर, यस वी हैव लॉट्स ऑफ लेडी पावर, बट प्रॉब्लम क्या ने क्या अपनी पावर सिस्टम जे छे ए छे, पर डेफिनेटली वी विल ट्राई टू थ्रू। निशांत पटेल गुड वर्क, थैंक यू। अही रमेश, जय मुरलीधर, हेलो नमस्कार।
अभिज्ञान हलो, पटेल अरशद। हाँ डेफिनेटली, मारी जॉब रिलेटेड हूँ और डेफिनेटली वीडियो बनावीश। हाय हेलो, हाय अमीर मलिक, हाय। हाँ जय हिंद यादव रितेश, ओके जय हिंद। ओ लव फ्रॉम ओडिशा, थैंक यू सो मच। हाँ हमारी जॉब नहीं मुकू, डोंट वरी। मनदीप सिंह, हेलो देवर जी, कैसे हैं आप। अजय यादव, हेलो। लव फ्रॉम ओडिशा, थैंक यू सो मच। मनदीप जी क्या हाल है आपके। राइट नाउ वी आर 1500 प्लस पीपल कनेक्टेड कनेक्टेड। ओके सौरव हाय, सागर सावलिया वॉचिंग, हाय हार्दिक, हाय हेलो सौरव, हाय योगिता पटेल फैन क्लब। योगिता दीदी आई एम ऑलवेज फाइन, यू कैन सी। ओके जोगराना महेश, केम छो महेश भाई। महेश भाई जोगराना अपने साथ कनेक्ट थया छे, ही इज ऑल्सो पुलिस ऑफिसर एज अ एल आर। ओके एंड सौरव यादव, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, व्हाट इज इट। राइट नाउ वी आर 2000 प्लस, बस गिव मी 2 मिनट्स मोर देन वी स्टार्ट। मनदीप सिंह जी थैंक यू जी। हेलो जय हिंद, जय हिंद। महेश माय बिग ब्रदर, हाय। मनदीप जी लेडी सिंगम, ओह थैंक यू। जय भारत, जय भारत। अनिल खारे, प्राउड ऑफ यू लेडी सिंगम, ओह थैंक यू सो मच। केम चो आम ऑलवेज फाइन, जय हो, जय हो। अकाउंट नथी आजी सुधी, जे कहीं चाली रही छे ई फेक छे, पण हूँ बहुत जल्दी मारो अकाउंट हूँ बनावीश अने एनी जानकारी हूँ तमने डेफिनेटली लाइव आवीने आपी देश। इफ यू डोंट अंडरस्टेंड इन गुजराती लैंग्वेज प्लीज कॉमेंट कि हूँ गुजराती में मारी स्पीच आपूँ, हिंदी में आपूँ। आई थिंक सो मोर एंड मोर पीपल कनेक्टेड विथ हिंदी एंड इंग्लिश। हेलो कुणाल यादव, हेलो हेलो। आई थिंक गुजराती बोथ लैंग्वेज लैंग्वेज आई कैन, जस्ट अ मिनट। हाय हेलो दिशा गोस्वामी, माई कॉलेज फ्रेंड, हाय डियर, हाय। शैलेश कुमार, हेलो सर। लव फ्रॉम ओरिस्सा, थैंक यू। माई फैन अनुज, माई फैन, थैंक यू। नितिन सागर, हाय हेलो। सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल फ्रॉम लव, थैंक यू सो मच। सैल्यूट, आई सैल्यूट यू ऑल्सो। एल जी जय हिंद, जय हिंद, जय माता जी। अनिल सदत, जय हिंद, जय हिंद टू। अल्पा सोनानी, जय हिंद। किंजल किंजल, जय स्वामीनारायण सुनीता, ओ जय स्वामीनारायण टू ऑल्सो। सी इज माई कॉलेज फ्रेंड। कुलदीप सिंह गोहिल, ही इज ऑल्सो माई सीनियर ऑफिसर एज अ PSI, ही इज ऑल्सो लाइक अ सिंगम। ओके गोहिल पृथ्वीराज सिंह, हाय हेलो। जोगराना महेश भाई केम छो। हाँ विपिन, राइट नाउ वी आर 300 3700, गिव मी मोर 2 मिनट्स ओनली देन आई स्टार्ट माई स्पीच। आई मीन टू से वॉट आई वॉन्ट टू से, गिव मी मोर 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स। राइट नाउ वी आर अराउंड 4000 पीपल कनेक्टेड। जोगराना महेश, जय हिंद भाई, केम छो। तमे कोरोना पुलिस ऑफिसर होवा छता तमारी ड्यूटी 24 कलाक तमे निभावी रह्या छो, पूरी शिद्दतथी तमे तमारी ड्यूटी करी रह्या छो, अने तेम छता जे पुलिस ऑफिसर छे एज एल आर, एमने कोरोना पॉजिटिव आव्यू छे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एमने कोरोना पॉजिटिव आव्यू, एमना माटे तमे प्रे करो कि जल्दीथी सारा थाय,
અને પાછું પાછા તમારી સેવામાં અમે આવી શકીએ આવી શકીએ ઓ લવ ફ્રોમ સ્પેન થેન્ક યુ સો મચ ચલો આપણી પાસે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી બી જોડાઈ રહ્યા છે લોકો ઓકે પ્રાઉડ ઓફ મી થેન્ક યુ સો મચ કુલદીપ સિંહ ગોહિલ સાહેબ જય હિન્દ જય હિન્દ કુલદીપ સિંહ ગોહિલ સર ઇઝ માય ક્લોઝ ફ્રેન્ડ હી ઇઝ ઓલ્સો ઇન પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ એઝ અ પીએસઆઈ ઓફિસર હી ઇઝ અ લાઈક અ સિંગમ સલ્યુટ યુ સર તેજલ પટેલ ઓ થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ સો મચ પટેલ અરસદ હિન્દી અચ્છા હિન્દીમાં બોલો ઓકે 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 જય હિન્દ જય હિન્દ ઓકે તેજ પટેલ થેન્ક યુ આનંદ ધામી થેન્ક યુ પરમાર જીતુ તમે મારી સાથે છો ઓ થેન્ક યુ સો મચ આય મારે તમારી સાથની બહુ ખાસ જરૂર છે તમારા સપોર્ટની મને બહુ જરૂર છે કે અત્યારે જે મીડિયામાં ચાલી રહ્યું છે હું હમણાં મારી સ્પીચ ચાલુ કરું એટલે મારા પોઈન્ટ બધા કવર કરીશ હેમાંગ જોશી ઓ થેન્ક યુ સો મચ ફોર સપોર્ટિંગ મી ભૌમિક દોશી થેન્ક યુ ભાઈ થેન્ક યુ બ્રિગેડ ઓફ એક એનસીસી કેડેટ હિન્દીમાં બોલું ઓકે આઈ વિલ ટ્રાય ઓકે ઓકે હાર્દિક સેલ્યુટ ઓકે મી ટુ ઓ પૂજા પૂજા રાજપૂત સી ઇઝ ઓલ્સો ઇન પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ સી ઇઝ અ ઓફિસર એઝ અ એલઆર ઇન પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ સી ઇઝ અ ગોલ્ડન હાર્ટ ગર્લ સી ઇઝ માય ક્લોઝ ફ્રેન્ડ રાઇટ નાઉ ઓલવેઝ સપોર્ટિંગ સપોર્ટ ટુ મી એઝ અ ગુડ ફ્રેન્ડ ગુજરાતીમાં બોલું ઓકે જીગરભાઈ બોલે છે ગુજરાતીમાં બોલું બ્રેવ દિવ્યેશ થેન્ક યુ હિરેન થેન્ક યુ તેજસ સેલેસ થેન્ક યુ દર્શન પટેલ થેન્ક યુ આનંદ દામેલે થેન્ક યુ સિદ્ધુ થેન્ક યુ રાઇટ નાવ વી આર 4600 ટોટલ આઈ થિંક સો એક મિનિટ ઓર હમે વેટ કરના ચાહીએ જિસે જિનકે પાસ મેસેજ નહીં પહોંચ્યા હૈ લાઈવ મેં આ રહ્યું ઉનકે પાસ પહોંચ સકે જસ્ટ ગીવ મી વન લાસ્ટ મિનિટ કલ્પેશ પટેલ થેન્ક યુ રાજેશ થેન્ક યુ સે ક્યા હૈ થેન્ક યુ સલીમ થેન્ક યુ આહિર એકે વાઘ થેન્ક યુ આનંદ ગુપ્તા થેન્ક યુ વડિયાદરા કોમલ સી ઇઝ માય કોલેજ ફ્રેન્ડ થેન્ક યુ ડિયર થેન્ક યુ પરમાર જી થેન્ક યુ જય હિન્દ નો આઈ એમ નોટ ગ્રેટ યુ આર ગ્રેટ કે તમને એવું લાગે છે યાદવ સ્મિત થેન્ક યુ અનિલ યાદવ થેન્ક યુ બ્રધર થેન્ક યુ વિક્રમ થેન્ક યુ સિદ્ધુજી થેન્ક યુ લલિત કુમાર થેન્ક યુ સુનિલ મીના થેન્ક યુ ઓકે ફાઇનલી હું મેં સોચ રહી હું કે મેં હિન્દીમાં આપ લોકો આપની જો ભી બાત રખના ચાહતી હું હિન્દી લેંગ્વેજમાં રખું આઈ થિંક સો વી ઓલ આર લવ ટુ વોચ બોલીવુડ મૂવીઝ ભલે વો ગુજરાતી હો ચાહે વો રાજસ્થાની હો હરિયાણવી હો પંજાબી હો આઈ થિંક સો કે કોઈ ભી સ્ટેટ વાલે હો વો સબ હમ અપને અપને સ્ટેટ કે તો મૂવીઝ ઓર લેંગ્વેજ કો લવ કરતે હી હૈ અપને મધર ટંગ જો હોતી ઉસકો હમ લવ કરતે હી હૈ પર મેરે ખ્યાલ સે હિન્દી લેંગ્વેજ જો હૈ કિંજલ પાટડિયા સિંગમ લેડી માય ફ્રેન્ડ ઓ યસ યુ આર માય ફનીએસ્ટ ફ્રેન્ડ ઇન કોલેજ ગ્રુપ ઓકે સલ્યુટ યુ ટુ ઓકે મેન પોઈન્ટ પે આતો રાઇટ નાવ વી આર 5000 ટોટલ સો આઈ થિંક સો મુજે અભી સ્ટાર્ટ કરના છે તો મેને હિન્દી ઓર ઇંગ્લિશ દોનો લેંગ્વેજ કા આપકો પૂછા પર આપને કહા કે હિન્દી મેં પ્રિફર કરું ક્યોંકિ હિન્દી આઈ થિંક સો સબકો સમજ મેં આયેગી ક્યોંકિ હમ લોગ 5300 ટોટલ પીપલ આ ચુકે હૈ આઈ મીન
रौनक भाई, थैंक यू थैंक यू. रौनक भाई इज अ पुलिस ऑफिसर. ही इज ASI. ही इज ऑल्सो अ गुड पुलिस ऑफिसर एंड थैंक्स टू सपोर्टिंग मी. गोहिल पृथ्वीराज सिंह, RDC 2016. ओ हाय, हेलो फ्रेंड, केम छो, कैसे हैं आप. अनिल यादव, थैंक यू. राइट नाउ वी आर 5,500. ओके ओके. डॉक्टर रुपेश दवे, ही इज अ माई कॉलेज प्रोफेसर. जय हिंद सर, कैसे हैं आप, हाउ आर यू. थैंक यू. ओ अल्पेश सूचा, ही इज इन पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो एज अ LR आई थिंक सो, अने SRP. ओके ओके ओके. राइट नाउ वी आर 5,700 टोटल. अनुरा यादव मैम, सो थिंक कि आपने पूरा, सॉरी आपके किसी किसी के मैसेजेस आई मीन कमेंट्स इतने बड़े आ रहे हैं कि मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ. एनसीसी रैंक, राइट नाउ आई एम एक्स सीनियर अंडर ऑफिसर. आई एम कंप्लीट माई RDC इन 2016. बेस्ट कैडेट फ्रॉम बड़ोड़ा. ओके. जय हिंद जय हिंद जय हिंद. राकेश मैम प्राउड ऑफ यू. ओके थैंक यू. पाटीदार, ओ पाटीदार, थैंक यू सो मच. जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट हाँ जस्ट अ मिनट. हाँ ओके 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 ओके. डॉक्टर रुपेश दवे, थैंक यू सो मच सर. राइट नाउ वी आर 6,000 प्लस आई थिंक सो. आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, मुझे अपने मुद्दे पे आना चाहिए. थैंक यू सो मच अगेन. जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. अभी मुझे अपने मेन पॉइंट पे आना है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कॉन्स्टेबल नहीं हूँ, मैं एक LR हूँ. LR के मेरा जो रैंक है वो LR है. पुलिस डिपार्टमेंट में LR जो रैंक होती है वो शुरुआत की रैंक होती है. आई एम ए पुलिस ऑफिसर इन पुलिस डिपार्टमेंट, माई रैंक इज LR. आप सब मुझे जो बता रहे हैं कांस्टेबल, कांस्टेबल जो है वो मुझसे ऊपरी अधिकारी है. कांस्टेबल जो है मुझसे एक पद ऊंचा है, वो भी एक अधिकारी है, एक एक कदम मुझसे ऊपर सीनियर ऑफिसर है वो. मैं एक कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं LR हूँ. मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 साल हुए हैं और 5 साल हम पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लीट करते हैं. उसके बाद हमें पुलिस कांस्टेबल का हमें रैंक मिलता है. जो पुलिस कांस्टेबल सर होते हैं, आई मीन साहेब होते हैं, वो हमसे ऊपरी अधिकारी हैं, एक कदम ऊपरी हमसे सीनियर है वो. मैं पुलिस कांस्टेबल कहलाने के लायक नहीं हूँ अभी. मुझे और 2 साल इस डिपार्टमेंट में बिताने पड़ेंगे, उसके बाद मैं पुलिस कांस्टेबल सर या फिर पुलिस कांस्टेबल साहेब कहला सकती हूँ. ओके. तो मैं ये चीज़ आई थिंक सो क्लियर हो गई है कि मैं पुलिस कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक LR हूँ. LR ठीक है. मेन पॉइंट पे आती हूँ. इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवाखाने से आई मीन डॉक्टर के यहाँ से बता के आ रही हूँ. मेरे ख्याल से मैं कोई मैथ का प्रमेय नहीं हूँ कि मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़े कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ. मैं मेरी जगह सही हूँ ये मैं जानती हूँ और मेरा भगवान जानता है. मुझे इस वक्त मजबूरन लाइव आना पड़ रहा है. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, पर मुझे अपने पॉइंट पे फोकस करना है. कि मुझे लाइव आने का कारण ये है कि मुझे, जस्ट अ मिनट, गिव अ मिनट, ए सोनू पाणी ला प्लीज. मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है. मैं अगर ज़्यादा बोल रही हूँ तो मुझे चक्कर जैसी फील आ रही है. मैं दवा खाने से आ रही हूँ. आई मीन क्या बोलते हैं, मुझे गुजराती बोल बोल के हिंदी के वर्ड्स भी मेरे गायब हो गए हैं. आई मीन मैं डॉक्टर को बता के आ रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है. मुझे मेंटली इतना स्ट्रेस है और रोज़ के मुझे 500+ कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के आ रहे हैं. थैंक्स टू कॉल, थैंक्स टू मुझसे कांटेक्ट करने के लिए थैंक यू. मुझ तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए भी थैंक यू. मुझे मदद करने के लिए भी थैंक यू. पानी लेके आना भैया जरा प्लीज़.
एक मिनट प्लीज, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। अच्छा एक ग्लास मंगा ले। मेरी तबीयत ठीक होने ना होने की वजह से मैं मीडिया के सामने नहीं आ पा रही। मीडिया के सामने ना आने का मेरी कि मेरी कुछ ऑफिशियली जो क्या बोलते हैं कि वो डाल देगा मैं ऑफिशियली जो प्रोसेस है वो बाकी है अभी, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं लाइव तो चलो ठीक है, मैंने बड़ी हिम्मत करी लाइव आने की, मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकती क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ वो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है, तो हम बंधे हुए हैं डिपार्टमेंट से, हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते कि हम डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ जाए या फिर डिपार्टमेंट की शान के खिलाफ मैं कोई काम नहीं कर सकती। मैं इस वक्त बंधी हुई हूँ मेरे डिपार्टमेंट से, हम लोग मिली है जो कुछ भी मिला है उस चीज़ का हमें क्या बोलते हैं कि ना चाहते हुए कि ना चाहते हुए हमारे साथ पब्लिक जो भी बिहेव करे लेकिन हमें कायदे से बंद के रहना पड़ेगा, उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ जो मैं मीडिया में नहीं आ रही हूँ उसका रीज़न ये है कि मेरे ऑफिशियली कुछ जो कामकाज है वो बाकी है, ऑफिशियली जब मेरे कुछ प्रोसेस है वो कंप्लीट होंगी उसके बाद डेफिनेटली मैं कैमरा के सामने आऊँगी, मीडिया के सामने आऊँगी, डेफिनेटली आऊँगी। मैं खुद आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ पर मैं नहीं बता पा रही हूँ। उसका कारण सिर्फ ये है कि मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं, आप सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेन चीज़ ये है कि मेरे डिपार्टमेंट ने अभी तक मुझे जो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ने का जो रिजाइनिंग लेटर दिया है वो सिर्फ टेलीफोनिंग मैंने जान की है, टेलीफोनिक मैंने बताया है, लिखित में देना अभी बाकी है। तो जब तक मैं रिटर्न में ना दूँ तब तक मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकती, मेरी मर्यादाएं हैं, कुछ मर्यादाएं मेरी हैं। एज ए LR मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से पहले जो प्रोसेस लीगली होते हैं वो करूं, उसमें अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं मीडिया के पास जाऊं। सॉरी मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं अभी क्या बोलते हैं कि डॉक्टर को बता के आ रही हूँ, सच में मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरा गला इतना ख़राब हो गया है कि डॉक्टर ने मुझे बोलने के लिए मना किया है, पर आप लोगों का जो इतना सपोर्ट मुझे मिला और उसके बाद अब जो नेगेटिव चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, आई मीन सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव चीज़ें फैल रही हैं उसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी लाइव इस वक्त आना पड़ रहा है। जस्ट अ मिनट ए चैम्पियन, जस्ट अ मिनट। मेन चीज़ ये है कि मुझे आप लोगों ने इतने दिन इंतज़ार किया है मेरा लाइव आने का या फिर मेरा मीडिया के सामने आने का, सो मुझे सिर्फ एक दिन और दीजिए, कल मेरे ऑफिशियली जो भी प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी और देन मैं सामने से ही मीडिया को कांटेक्ट करूँगी और मीडिया को मैं खुद कांटेक्ट करना चाहती हूँ। मुझे सभी लोग दवाई को पर्ची दे, सभी लोग जो है वो जो न्यूज़ चैनल वाले हैं सभी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैंने उनको ये कहा, जस्ट अ मिनट सी, आप शायद देख पा रहे हो ये आज की तारीख का है 13, ये सी आज की तारीख है और ये हॉस्पिटल है, आप चाहो तो वहाँ पे चेक करवा सकते हो, ये कोई ड्रामा नहीं। मेन चीज़ यहाँ आप देखिए आज 13 जो है 13 and 7, मेन चीज़ ये है कि मैं आपको कोई बहाने नहीं बना रही हूँ या फिर मैं कोई डर नहीं गई हूँ कि छुप के बैठी हूँ, पर सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त भी मैं बोलने के काबिल भी नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि हो सके इतनी गलतफहमी आपकी दूर करने की कोशिश करूँ। मेन चीज़ ये है कि मेरी ऑफिशियली जो भी कामकाज हैं वो कल ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं मीडिया में आऊँगी A to Z, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से ये घटना शुरू हुई है वहाँ से लेके अभी तक मैं सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको या तो लाइव आऊँगी या फिर मीडिया चैनल थ्रू मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, पर मुझे सिर्फ एक दिन और चाहिए। आप लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सारे जो भी मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ आप क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि मेरे पास जो
सोर्सेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। मैं सिंगल इस वक्त हूँ, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है कि उनको मैं अपना काम करवा लूँ। मैं पिछले जिस दिन मेरे पास ये मेरे साथ ये घटना हुई, उस दिन के बाद से मैं सो नहीं पा रही हूँ। मेरी आंखें जो हैं वो जल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नींद पूरी ना होने के बाद वजह से कितना स्ट्रेस मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं जस्ट अ मिनट। ये ग्लूकोज का के कुछ लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या है, ये ग्लूकोज का पानी है, कोई नशीली पदार्थ नहीं है, और अगर नशीली पदार्थ होती तो मैं आपके सामने क्यों पी थी। मुझे इस वक्त चक्कर आ रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ही एकदम लाइट फील हो रहा है, दैट्स वाई। लेकिन फिर भी आपको लगे कि मैं शायद ड्रामे कर रही हूँ, तो मैं शायद ग्लूकोज का पानी नहीं पीऊंगी। मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी अब तो मैं सिंपल पानी पी लूंगी। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रमेय नहीं हूँ कि मुझे आप लोगों को प्रूव करना पड़े। मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो जिसको जो लगे वो आप लोग अपने हिसाब से मान सकते हैं। वैसे भी वो आप कहते हैं ना कि आप चाहे अपने हिसाब से कितना ही बोल लें, कितना ही जो है सफाई अपनी दे लें, सामने वाले को उतना ही समझ में आएगा जितना उनकी पास समझ सकती है। तो मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, वो डिपेंड करता है आप पे। आप जैसे हैं वैसी मैं हूँ। अगर आप अच्छे हैं तो मैं डेफिनेटली अच्छी हूँ आपके लिए। पर आपके अगर विचार ऐसे हैं कि मैं लेडी सिंगम बनने के लिए आई हूँ, फेमस होने के लिए आई हूँ, राजनीति में जाने के लिए आई हूँ, ये सारे मेरे स्टंट हैं, तो आप लोग के ऐसे विचार हैं तो इट्स ओके। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, ठीक है, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो सबको बोलने का अधिकार है, सब कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं उन सबके लिए थैंक यू। मीना बक्कू, उस्मा देसाई, ओके, रूबी, उपेंद्र आहिर, थैंक यू ब्रदर। हाँ, क्या है ये, एक्चुअली इतना बड़ा मैसेज है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, पर मेरा चक्कर आ रहा है मुझे। पर अब मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको सिंपली दो बातें मैं जो है वो मैं करके अपनी मुझे लाइव से बाहर आना पड़ेगा। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा देर इंटरफेयर नहीं कर पाऊंगी आपके साथ। सो प्लीज़ प्लीज़ फोकस ऑन राइट नाउ। वी आर 10,000+, राइट नाउ वी आर 11,000। ओके, अगेन जो लास्ट में जुड़े हैं उन सबको जय हिंद। मेन चीज़ ये है, अगेन आई रिपीट, जो नया जुड़े हैं उनको बता दूं कि बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग नए आए। मैं अभी तक मीडिया में नहीं आ रही हूँ, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मेरी कुछ ऑफिशियली जो काम है वो बाकी है, प्रोसेस बाकी है। जब मेरी ऑफिशियली प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, मैं सामने से कॉन्टेक्ट करूँगी। और कल की जो घटना है वो आप देख सकते हैं कि मेरे जो लोकल न्यूज़ रिपोर्टर हैं उन लोगों ने मुझे जो लेडी सिंगम का मुझे जो विरोध दिया था उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ या फिर साइको टाइप हूँ क्योंकि बहुत गुस्सा कर रही हूँ। पर मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ उसके पीछे का रीज़न भी देखिए। कल की ये घटना बताती हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए कि मार्केट में जो आज नेगेटिव आ रहा है मेरे लिए वो क्यों आ रहा है। वैसे मेरा तो ऐसा मानना है कि रावण होगा। अगर रावण नहीं होता तो आपको क्या लगता है राम की कोई वैल्यू होती, राम को कोई जान रहा होता। वही चीज़ अब मेरी स्टोरी में भी है। मैं अपने आप को राम के समकक्ष तो नहीं मानती, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं, वो भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मैं तो एक सामान्य लड़की हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, न्यूज़ रिपोर्टर को खरीदने से या फिर जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मतलब मीडिया को खरीद लेने से कोई सच्चाई डूब मतलब दब नहीं जाएगी। मेरे जो अपोजिट में मतलब कुमार भाई कानानी जो है उन्होंने बताया है, 2-3 बार वो कैमरे के सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैंने ये कहा है, मैंने वो कहा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने गालियाँ दी है, मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो सारा का सारा जो सीन है, आप जो भी वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है,
वो लास्ट सीन है अभी जो जो क्या बोलते हैं कि मीडिया के पास जो आया है, सोशल मीडिया के पास जो आया है वो सिर्फ 10% है, अभी पूरी मूवी बाकी है। वो मूवी कल मैं रिलीज करने वाली हूँ, ठीक है? तो आपने इतना इंतजार किया तो सिर्फ एक दिन और सही। अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, मुझे लिटरली चक्कर आ रहे हैं, मैं सच में, मेरी तबीयत खराब है। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है, मुझे ज़रूरत नहीं आपको प्रूफ करने की, पर आप मेरे शुभचिंतक हैं, आप मुझे इतना साथ दे रहे हैं, दैट्स वाई मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि एक सेकेंड, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है ये प्रूफ। अदरवाइज मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, पर आप लोग मुझे जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू। और अभी तो ये जो लड़ाई है वो शुरू हुई है, अभी तो बहुत आगे तक हमें जाना है, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जिन लोगों ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है, मैं कोशिश करूँगी हो सके इतनी जल्दी आपकी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करूँ। और ट्विटर पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, जो भी अकाउंट्स हैं वो फेक अकाउंट्स हैं। मुझे किसी के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की जो फ़र्ज है वही अदा करनी है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का, अगर पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट हो तो आप मेरा बैकग्राउंड एक बार हो सके तो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे ग्रुप में जो लोग हैं वो अच्छे पोजीशन पे हैं राजनीति में, तो मैं डायरेक्ट उनका कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ। कुछ लोग यूँ कह रहे हैं कि मैडम को फेमस होना है, स्टंटबाजी कर रही हैं, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ रही हैं, ब्यूटीफुल समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, कोई मुझे क्या बोलते हैं पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं आपके लिए बता दूं कि मेरा जो भाई है वो एक्टर है, अगर मैं अपने आप को फेमस करना चाहूँ तो मैं उसके साथ काम कर सकती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊँ, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर फिल्म उद्योग हो या फिर कोई भी काम हो, कोई बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी भी फील्ड में अगर जाऊंगी तो मैं अपनी जगह डेफिनेटली डेफिनेटली बना लूंगी। तो मैं जो अभी रिजाइन कर रही हूँ वो टेलीफोनिक जान मैंने कर दी है सबको, मेरे मेरे डिपार्टमेंट को, कि मुझे रिजाइन करना है, पर जो रिटर्न में देना है वो बाकी है अभी। तो जब तक मैं रिटर्न में नहीं देती तब तक मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकती। कल मैं गई थी रिटर्न में देने के लिए, आज भी मैं गई थी, कल मुझे कमीशन सर नहीं मिले, दैट्स वाई मुझे वापस आना पड़ा। कल जो घटना घटी है वो आप देख सकते हैं मीडिया में कि भाई लोकल चैनल वाले जो लोग हैं मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि भाई मैं वहाँ पे पहुँची, उनको पता चला, और मैं पे पहुंचने के बाद उनको पता चला कि भाई मैं वहाँ पे हूँ, तो मुझे उनको कोई स्टेटमेंट नहीं देना था। उसका कारण सिर्फ ये, मैंने खुद खुद ने सबको बताया था कि मैं आ रही हूँ। एक्चुअली मेन मुद्दे की बात ये है कि मुझे सभी रिपोर्टर्स कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी मुझे 500 से ज़्यादा कॉल्स आ चुके हैं मीडिया के, वो लोकल नहीं है, मतलब दिल्ली रिपोर्ट है, फिर मतलब नेशनल बीबीसी है और इंडियन एक्सप्रेस है, सभी जो नेशनल लेवल के जो मीडिया पर्सन्स हैं मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब नेशनल लेवल पे लोग मेरी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मुझे जल्दी से ये वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मुझे चक्कर जैसा फीलिंग आ रहा है, फीलिंग सो लाइट। तो इन शॉर्ट में जो ये लोग मुझे क्या बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ़ जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो ये है कि ये लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जब आए तो मैं कमिश्नर कचहरी से बाहर निकली, तो मैं इनको इंटरव्यू नहीं दे सकती थी क्योंकि मुझे मेरे जो ऑफिशियली काम काज थे वो बाकी थे, तो मैं नहीं कर सकती थी, उनको इंटरव्यू नहीं दे सकती थी क्योंकि हम एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में है, तो हमें हमारा डिसिप्लिन जो है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। पब्लिक शायद ना वो फॉलो करे तो चले, लेकिन हम एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर में फॉलो कंपलसरी करना पड़ता है। जो कांस्टेबल है वो मेरे ऊपरी अधिकारी है, कांस्टेबल साहब जो है वो मेरे ऊपरी अधिकारी है। जो नए आए हैं उनको बता दूं कि मैं कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक एलआर ऑफिसर हूँ, मुझसे जो कांस्टेबल है वो मुझसे एक पद ऊपर लेवल के अधिकारी हैं, पीएसआई जो है उसके ऊपर, आई मीन एएसआई उसके ऊपर, पीएसआई ऐसे रैंक है।
मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रैंक है वो हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें कि भाई हमारे सुपीरियर अधिकारी कौन, उसकी पहचान के लिए रैंक है। बाकी मेरे हिसाब से वर्दी जो पहनी है वो चाहे LR हो, LR ऑफिसर हो, चाहे कांस्टेबल ऑफिसर हो, ASI हो, PSI हो, वो सारे एक जैसे हैं। पब्लिक के लिए खाकी वो खाकी है। पब्लिक को सबसे पहले जो मदद के लिए आते हैं वो कांस्टेबल ऑफिसर आते हैं, कांस्टेबल लेवल के ऑफिसर आते हैं। तो मेरा तो मानना है कि लोगों को जो बाकी के PSI, ASI वगैरह या फिर PI या DYSP या ACP जो भी हैं, वो ऊपरी अधिकारी है, वो सिर्फ हमको गाइड करते हैं कि आपको कैसा काम करना है। आपके साथ, जनरल पब्लिक के साथ या कॉमन पब्लिक के साथ कुछ भी अगर हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले मदद के लिए अगर वो एक पहुंचेगा तो वो या तो LR होगा या फिर पुलिस कांस्टेबल साहेब होगा, यही लोग होंगे। तो आपके लिए जो असली हीरो हैं, आपके लिए जो असली मदद रूप जो आपके लिए बनते हैं, वो है कांस्टेबल सर, कांस्टेबल ऑफिसर जो है वो आपके फर्स्ट ऑफिसर आते हैं जो आपके लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक ने जो ये बना रखा है, ये तो कांस्टेबल है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है, ये वो। तो मैं यहाँ LR के पद पे रह के आपको ये बताना चाहती हूँ कि LR की जगह पे रह के जो मैं इतना कर सकती हूँ, जो स्टार्टिंग की ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट की ये कर सकती है, तो जो ASI है, PSI है, जो PI है, SCP है, तो वो उनके पास कितना पावर है? जो पावर जो है वो रैंक में नहीं है, पावर जो है वो खाकी वर्दी में है। हम लोग रात दिन 6 महीने तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तब जाके हमें सिर्फ पैंट पहनने को मिलता है, शर्ट हमें पूरे 9 महीने की हम क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। भाई वो चक्कर आ गया ना, थोड़ा फैन ऑन करके एकदम स्लो मार करें ना, सॉरी 1 सेकंड दीजिए मुझे प्लीज। सॉरी, मारे हवे लाइव में जवू पड़ से, मने सीरियसली तबियत बहुत खराब थी रही है। मारा ख्याल प्रमाणे तमे, मतलब लास्ट में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि लिटरली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और आप मुझे प्लीज़ समझिए, क्योंकि मेरे ऊपर पॉलिटिकल पावर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। मुझे जान से मार देने तक की धमकियाँ आ रही है, और मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरी सोसाइटी के नीचे पुलिस फोर्स आ चुकी है, मुझे प्रोटेक्शन दिया गया है, मेरे घर पे भी सुबह शाम PSI मोदी साहब, मैडम मोदी साहब जो है ऑफिसर, PSI ऑफिसर है, वो आ रहे हैं। वो मुझे एक एज अ ऑफिसर नहीं, पर एज अ एल्डर सिस्टर की तरह मुझे हेल्प कर रहे हैं। अमरोली पुलिस से PSI मोदी साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी मेंटली, उन्होंने मेरा बहुत स्ट्रेस कम करा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने लाइव आ पाई हूँ, अदरवाइज आज भी मैं नहीं आ पाती। तो आप सबसे बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि जो लोकल मीडिया फैला रहा है वो सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाल रखी थी, और 50% से कम लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। तो मेरा उनको सिर्फ यही कहना था कि आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मैं आपको सामने से बुला रही हूँ, क्योंकि उसमें हुआ यूँ था कि एक एक रिपोर्टर मुझे कॉल करके बोल रहा है कि मैडम आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमें दीजिए, किसी और को नहीं, हमें दीजिए। पर मैं सबका सोच रही हूँ, क्योंकि हम लोग जहाँ जिस फील्ड में हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमको इस काम के लिए रखा है कि भाई आप सबकी मदद करो, सबके लिए करो। तो मेरे हिसाब से जो रिपोर्टर है, जो भी प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनकी फर्ज बनती है कि सच्चाई को बाहर लाओ, ना कि अपनी रोटियां सेको। पेलू कहवा गुजराती में बधाने पोतपोताना रोटला सेकवा छे, बराबर। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो सच्चाई है उसको बाहर लाइए। अभी मैंने जो MLA के लड़के की गाड़ी में जो प्लेट रखी थी, सॉरी बोर्ड रखा था MLA का, उसको मैंने बाहर निकलवाया, तो उसकी जैसी सेम मेरी FB पे एक फोटो अपलोड करे रखी है, जिसमें मैं मेरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी है, मेरे फादर मेरे साथ में, मैं उसमें खुद मौजूद हूँ। तो मैं वो जो उसने लगा रखा है, वो मानती हूँ कि वो लगाना वैल्यूबल नहीं है, मतलब मुझे भी कोई अधिकार नहीं है उस चीज़ के लिए। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि शायद मुझसे भी गलती हो गई थी, ठीक है।
उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मैंने काफी लोगों को देखा था कि भाई वो लोग अपनी कार में PSI लगा के घूम रहे, ताकि मतलब कोई उसका कोई मुझे गैर फायदा नहीं उठाना है उसका, मुझे सिर्फ इसलिए मैंने लगा रखा है क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा ज़रूरी था, और हम लोग आउट ऑफ स्टेट के लिए निकले थे, तो अगर पुलिस लिखा होगा तो मेरे स्टाफ वाले हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पुलिस वाले जो होते हैं वो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं यार, मतलब वो कहते हैं ना कि जिस टेंशन में या जिस फ्रस्ट्रेशन में नॉर्मल पब्लिक सुसाइड कर लेती है उससे डबल फ्रस्ट्रेशन, उसके डबल टेंशन में पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस वालों का दिमाग जो गर्म है उसका कारण है कि उनको बेचारों को इतना सारा काम करना पड़ता है, हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भी इंसान ही हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे प्यार से बात कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, उनका भी मेंटली जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होगा। अगर आप उनसे तू ता करके बात करेंगे तो उनके माइंड पे स्ट्रेस होगा, आप पे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर वो रिएक्शन जो है उनके घर वालों पे पड़ता है। घर पे जाने के बाद मतलब घर पे तो हर किसी की चलती है ना, मतलब अपने घर पे तो शेर भी नहीं बिल्ली भी शेर होती है लाइक दैट, तो मतलब कि घर पे तो हर किसी का चलता है। तो मैं अपना एग्जाम्पल लूँ चाहे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स का लूँ किसी का भी लूँ, अगर बाहर हमारा दिमाग खराब हुआ है लोकल लोगों ने किया है या फिर मीडिया ने किया है या फिर किसी भी कारण हमारा दिमाग खराब है, तो वो दिमाग खराब होने का जो गुस्सा है वो घर वालों पर निकलता है, तो वो जो लोगों की वजह से हमारे घर वालों को भी सहन करना पड़ता है। सिर्फ आप लोग ही गालियाँ खा रहे हैं ऐसा नहीं है, मैंने अपने खुद के भाइयों को भी आज सुबह से कम 4 से 5 बार गाली दी, गाली दी इन द सेंस मतलब उसको डांटा कमीना ये वो तो कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा हुआ। तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ या फिर मैं कोई सुपीरियर अधिकारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल LR ऑफिसर हूँ जो जिसमें एक मर्यादा आ जाती है, मेरे पास काम करने के लिए काफ़ी सारा कुछ है जो हमें करना चाहिए। काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको दानत से काम करना है, मीन्स कि एकदम सिंगम बन के काम करना है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको उनके ऊपरी अधिकारी ने मजबूर कर रखा है, उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अकेली हूँ मीडिया में, मैं अकेली पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, पर उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी आ जाती है। कुछ लोगों की मजबूरी ये है कि भाई 20 हज़ार में या फिर जो भी सैलरी 25-30 हज़ार उसमें घर नहीं चलता। हम लड़कियों का चलो ठीक है फिर भी कि हम लोग संतोषकारक हैं, 10 हज़ार में भी काम चला लेते हैं। अभी हुआ यूं कि अभी 2-4 दिन पहले की घटना है, ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो पुलिस वाले वो रिश्वत ले रहे हैं ये वो कर रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं, आप क्यों में जाइए, सिर्फ ले रहे हैं उसमें मत जाइए, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनकी सैलरी बेचारों की 20 हज़ार 25 हज़ार है, आप मुझे ये बताइए कि उनकी ट्रांसफर अगर सूरत में हो रही है तो वो इतने पैसे में क्या कर सकता है, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं इन शॉर्ट में जो मुझे आपसे डिस्कस करने, पर कल जो आएगा मैं लाइव आपके सामने दोबारा भी आ जाऊंगी, पर मेन चीज मुझे कल BBC पे मेरा पूरा A to Z स्टोरी क्या थी वो पूरी आने वाली है, आप लोग चाहें तो वहां पे देख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि मेरे साथ में जो उस दिन घटना बनी थी शॉर्ट में बता देती हूँ, वो अगर वहां पे एक पुलिस ऑफ फ्रेंड करके था, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, पर मेरे लिए वो वहां पे साक्षात भगवान की तरह था, अगर वो ना होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ है वो निर्भया कांड 2 करके आप लोग शायद इस वक्त कैंडल लाइट लेके रोड पे उतर चुके होते, मुझे इंसाफ चाहिए, पर मैं समझती हूँ इंसाफ के लिए लड़ना जरूरी नहीं है। आज कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कोई PSI जो है उन्होंने रिजाइन करा है, कोई पर्सनल मैटर से मैं रिजाइन कर रही हूँ, मेरे आगे के ब्राइट फ्यूचर के लिए मुझे रिजाइन करना है ताकि मैं आगे की और अच्छी तैयारी कर सकूँ, मेन चीज़ है पावर, तो मुझे रात दिन मेहनत करनी है, और एज ए IPS ऑफिसर मैं आना चाहती हूँ, पता नहीं कल क्या हो, कल मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, पर अगर मैं जिंदा रही तो मैं पूरी मेहनत करूंगी और IPS ऑफिसर बन के आऊंगी, और उसके बाद जो ये लोग पावर की बात करते हैं उन सबको धीरे धीरे एक एक करके सब लोगों को हम समझाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। सॉरी अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे कोई इंटेंशन ज़्यादा बोलने का नहीं है, लास्ट में बस एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूंगी क्योंकि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, मैं 2 दिन से 3 दिन से सो नहीं पा रही हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है,
तो उस सब की वजह से भी, और मेरे ऊपर जो फेक कॉल आ रहे हैं रात को 11 बजे, लोग दरवाजा के मुझे बजा रहे हैं, और पूछने पे पता चलता है कि वो लोग रिपोर्टर नहीं है। तो अगर रिपोर्टर होगा तो उसके पास डेफिनेटली कार्ड होगा, कार्ड नहीं है उसके पास। इसका मतलब ये कि जो कानानी सर हैं उन्होंने अपनी जगह से मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए आप समझदार है, समझ सकते हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं देना चाहती, कोई भी हो सकता है, चाहे कोई और हो, ये हो वो हो, पर आप समझदार हैं काफ़ी। आप सिर्फ इतना मानिए कि मेरे ऊपर इस वक्त मेरे डिपार्टमेंट तरफ से भी मुझे अभी ऑफिशियली काम करने बाकी है, राजनीति तौर से भी मुझे अभी कुछ और करना बाकी है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, मेरी लीगली प्रोसेस जिस दिन हो जाएगी उस दिन मैं जल्दी आऊँगी, और कोशिश करूँगी कल सुबह मैं वापस अपना इस्तीफा देने जा रही हूँ, रिजाइनिंग लेटर कल सुबह मैं कमिश्नर ऑफिस जा रही हूँ 11 से 12 के बीच। एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकती क्योंकि मेरे ऊपर बंदूक की नॉक मुझे चलना पड़ता है। कल मैं दोपहर नहीं तो दोपहर शाम तक, शाम से पहले पहले मैं लाइव आ जाऊंगी, और आपको मैं व्हाट्सएप और फेसबुक स्टोरी पे लिखवा दूंगी कि भाई मैं लाइव आ रही हूँ, ठीक है? और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मेरी आंखें भी अब नहीं खुल रही हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि मुझे ऐसे अपना साथ दीजिए, ताकि मैंने जो सिस्टम के खिलाफ फाइट करने की कोशिश करी, इतनी हिम्मत करी, वो मेरी हिम्मत बरकरार रहे और आगे जाके भी मैं और अच्छे काम कर सकूँ मेरे डिपार्टमेंट में। जय हिंद, जय भारत।